लेकिन कर्ण ने वो विषु का काटने का भी वो जो ये वो सहन किया। लास्ट में जब द्रोणाचार्य जब गुरु का नींद खोला तब देखा पूरा तेज ब्लड ही ब्लड है। तो द्रोणाचार्य ने कर्ण का जो सहन शक्ति है उसका परीक्षा लिया। बाद में कर्ण का बारे में उसको पता भी चला है, लेकिन इस कहानी का अर्थ ये है कि अगर हम स्वभाव से कुछ काम करता है जितना भी हमारे सामने चैलेंज आए उसको हम सम्मुखीन उसको फेस करने का ताकत रखना चाहिए। जैसे यंग जेनरेशन के नाते हम कॉलेज के स्टूडेंट है कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो अपने सोसाइटी के लिए अपने समाज के लिए अपने देश के लिए कुछ करने का एक विचार आप मन में पैदा कीजिए, इस मातृभूमि को इस समाज को आगे लेके जाना है हम सबको मिल करके। इसमें अपना क्या बेनिफिट है उसके बारे में मत सोचिए। 16 साल में भगत सिंह ने कहा था फांसी का, फांसी में जब उसको लत्या जाने के लेके जा रहे थे उस समय भी उनका जो बयान था उसका पहले भी उसका जो बयान था दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है। ए देखो कारण मोर जीवन तो यदि त्याग करबो लगे इस देश के लिए अगर मेरा जीवन भी अगर नौसर करना पड़े करने के लिए हम तैयार है। तो इस विषय को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम विद डेडिकेशन विद कमिटमेंट एनएसएस का जो ऑब्जेक्टिव से वो हम पूरा कर सकते हैं। एक ही विषय ध्यान में रखे हमारे द्वारा किसी का अपकार न हो, मेरे व्यवहार मेरे काम के कारण किसी का क्षति न हो, क्षति न हो। हम चाहे किसी का उपकार कर सके या ना सके मेरे कारण से किसी का क्षति नहीं होना चाहिए अपकार नहीं होना चाहिए। इतना विषय तो कम से कम सब लोग अगर ध्यान में लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ तो समाज का अनोइंगली इसका लाभ समाज को मिल सकता है। ज्यादा अभी बोलने का अभी बहुत और बड़े हमारे विशिष्ट व्यक्तिगण है उन लोग बोलेंगे, खाली हम जो तीन दिन अभी यहां रुकेंगे उसका इस समय का फायदा यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम तीन दिन हम रहेंगे उसका फायदा हमको हर मिनट्स का हमको लेना चाहिए। ये हम 50 घंटा या 7 घंटा जो हम साथ में रहेंगे उसके साथ हमारा सबके साथ एक परिचय एक बॉन्डनेस एक फ्रेंडशिप सबके साथ डेवलप हो। अपने एक दूसरा प्रदेश के बारे में उनका क्या समस्या है उनका सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है एक जानकारी प्राप्त करें फ्रेंडशिप करे तब जाकर के इस स्कैम का हमको कुछ और लाभ मिल सकता है। लास्ट में एक छोटा सा एक कहानी के साथ में खत्म करूंगा। अभी मैंने 5-7 मिनट में जो भी बताया है उसका अगर थोड़ा सा एनालिसिस कर करिए इस कहानी से। एक मूर्तिकार ने 3 मूर्ति बनाया है और मूर्ति बनाने के बाद उसको सेल के लिए शोरूम में रखा है। सेम मूर्ति है, सेम शेप है, सेम कलर है, सेम देखने से कोई उसका डिफरेंस नहीं लगेगा। तो वो जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो दाम पूछा है मूर्ति का, ये नंबर वन मूर्ति का दाम क्या है? तो नंबर वन मूर्ति का दाम 10,000 रुपया है। अच्छा, तो इसका इसका 1,00,000 रुपया दाम है। तीसरा तो इसका 10,00,000 रुपया दाम है। देखने में एक ही है मूर्ति लेकिन दाम इनका अलग अलग है। एक का 1,00,000 है, एक का 10,00,000 है, एक का 1,00,000 है मान लीजिए। तो क्यों है ऐसा पूछा है जो खरीदने वाला आदमी है। ये तीनों मूर्ति एक ही कलर का है, एक ही शेप का है, एकदम बराबर
एक ही प्रकार का है तो दाम क्यों अलग अलग है? तो मूर्तिकार ने एक लोहे का एक पतला सा रॉड लेके आया, वो कान से ये पहला वाला मूर्ति का कान से वो रॉड घुसाया तो रॉड जो है ना इधर से इधर निकल गया, मतलब इसका दाम 1,00,000 रुपया है। और दूसरा जो है मूर्ति में कान से एक रॉड घुसाया, वो कान से निकल करके इधर से निकल गया, उसका दाम 10,00,000 रुपया है। और तीसरा मूर्ति को भी ऐसे घुसाया, वो रॉड जाकर के यहां पर रह गया है, इसका दाम 10,00,000 है। अगर मैंने 10 मिनट में कुछ अच्छा बोला है, अगर एक कान से सुना दूसरा कान से निकल दिया तो उसका वैल्यू होगा 1,00,000 रुपया। अगर कुछ रखा है मन में, बाद में कभी कभी पूरा 100% में तो नहीं रहेगा कुछ लोगों का, उसका दाम 10,00,000 रुपया होगा। अगर पूरा रखेंगे देश के लिए कुछ करने का, इस मिशन को साथ में ले जाएगा तो उसका दाम 1,00,00,000 रुपया होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for truly enlightening the objective of NSS. I am beautiful, not broken, different, not less, challenged, not challenging, overwhelmed, not spoiled. Now we have a national integration dance by the students of Fernando Speech and Hearing Center. They show us the way of national integration through their performance. Thank you.
round of applause again. These students are physically handicapped. They can. Now I would like to request Dr. D. D. Lapang, sir, to release this souvenir. Great honor to have Dr. D. D. Lapang sir among us. I would like to request Dr. Lapang sir to address the gathering. Sir. Good afternoon, friends. With a very special reference to the young ones. Young friends, you are the creator of the future generation. You are the dreamers to enjoy a brighter tomorrow and the place where we all love to live in. I'm so glad that I happened to be here. I get this opportunity to be associate myself with this. I'm thankful to Dr. Yang Rai who met me and requested me to be here with you. I feel it's an honor, a privilege to meet gems of the society from 8 states of the whole Northern region and represent the Gambia. You're the gems of the society. Now I've got a big responsibility that God has shouldered upon you to see that the brighter tomorrow is waiting ahead for all of us. We're glad to have got Mr. Hock here. I call him a real revolutionist. He revolutionized many things. Kenya. There was a time when I thought this is a jungle. In a very, very remote area. But he has developed it. He made a beautiful township and hundreds and thousands of souls were nursed properly to become the assets of the country's whole. I'm glad I have got Mr. Dilip Saikia with me just to strengthen the presence of the dignitaries. I've got Mr. Dr. P.J. Rao, Vice Chancellor, USTM, Mr. C.P. Scott Murray. I could not mention all the responsibilities that are assigned upon them because to minimize a little bit of time. Mr. Sunil Basumatri, you gave your speech and all. Mr. C.C.M. Sil I.S., Secretary, and also happened with Chairman Roy, N.D.N.S.S. We've got our friend here, Mr. Fidel War, who is a very close associate of this college, University. And we're glad to all of you are here with us, and we hope this will generate something which is important, and we can create a message we can give to the other people in the country's world. Well, friends, why I'm happy to be here? Because NSS is a very important agency. The record said that this agency had been found here far back in 1969, where the Union Minister, Mr. Dr. R.V.K.R.V. Rao, with 37 universities, the record said so, covering all the states, starting with enrollment of 40